नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સમાચાર સુપરફાસ્ટ। આપની સાથે હું છું ઝરણા। સમાચારની શરૂઆત પોરબંદરના સમાચારોથી। પોરબંદરમાં ભારે વરસાદને કારણે અડવાવા ગામમાં આવેલ સોરઠી ડેમમાં પાણીની આવક વધી। ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદને કારણે પાણીની આવક વધી। ભાવનગરના મહુવામાં ભારે વરસાદ બાદ ભાદરોડી અને બુટિયો નદીમાં પૂર જેવી સ્થિતિ। નદીઓના પાણી ઉભરાતા 15 જેટલા ગામોમાં રસ્તાને નુકસાન। ભાદરોડી નદી પરના તમામ પુલ ધરાશાયી। गाम लोकोए तूटेला रस्ताओं में जाते ज माटीनु पुराण करीने अवरजवरनी करी व्यवस्था। दर वर्षे आ जळ स्थिति उभी थती होवानो ग्रामजनोनो आक्षेप। तंत्र कोई पगला न लेतु होवानो पण आक्षेप। दाहोदमां भारे पवन अने वरसादने पगले वीजलाइनने नुकसान। 66 केवी लाइनना बे वीज टावर धराशाय, जेना पगले 4 सबस्टेशनो वीज पुरवठो खोवायो। अमरेलीना बगसरा पंथक में मेघराजा की धमाकेदार बैटिंग। मुंजियासर, कागदड़ी, घंटियाण, माणिकवाड़ा सहित विस्तारों में वरसाद। सुरेन्द्रनगर में भारे वरसाद कारण धौड़ी धजा डेम ओवरफ्लो थयो। उपरवास में वरसाद कारण डेम ओवरफ्लो। भोगाओ नदी में पानी की आवक थता डेम छलकाय। बोटाद गढ़ा में पौना कलाक में 2 इंच वरसाद। वरसादी पानी थी खेतरो थया छलोछल। सतत 8 दिवस जिल्ला में पड़ रो वरसाद। 14 जूने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारे वरसाद की आगाही। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ने कारण आगामी 5 दिवस रहेशे वरसादी वातावरण। गुजरात 38 तालुका में सार्वत्रिक वरसाद। गीरना तलाला में 2 इंच वरसाद तो कुतियाणा में 2 इंच वरसाद। माणावदर में 2 कलाक में 1.5 इंच वरसाद। गीर गढ़ा और माड़िया में 1-1 इंच वरसाद। तो आ तरफ दिल्ली सहित 18 राज्यों में आज वरसाद की संभावना। दक्षिण पश्चिम चौमासु खूब झड़पथी वधी रह्युं छे। आगळ 12 અને 13 जूने दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में सामान्य वरसाद की आगाही। महाराष्ट्र ने गोवा पण थयुं चोमासानुं आगमन। 48 कलाक में दक्षिण तेमज महाराष्ट्र दरिया किनारा विस्तारों में भारे वरसाद की आगाही। हवामान विभागे जाहिर कर्युं रेड अलर्ट। पाटणना सरहदी गामों में तीड़ देखाया। सभी तालुकाना मांडवी गाम में तीड़नुं झुंड देखायुं तो सांतलपुर राधनपुर में हतुं तीड़नुं झुंड। खेतीवाड़ी विभाग की टीम मांडवी पहुंची। बनासकांठा में तीड़ आक्रमण थता खेडूतों की मुश्किल में वधारो। एक वर्ष में 5मी वक्त तीड़ झुंड आक्रमण। केंद्र सरकार की 2 टीम और स्थानिक 7 टीम द्वारा दवा छंटकाव। ग्रामीण विस्तारों बाद बनासकांठा शहरी विस्तारों में देखाया तीड़। 35 वर्ष पची तीड़ हवे शहरी विस्तारों तरफ पड़ा है। 1985 बाद सौ प्रथम वक्त तीड़ शहरी विस्तारों में देखाया। बनासकांठा में डीसा सहित 10 स्थलों तीड़ आक्रमण। जिला 5 तालुकाओं तीड़ थी प्रभावित। तंत्र द्वारा दवा छंटकाव की कामगिरी माटे स्थानिक 7 और केन्द्र की 2 टीम कामे लागी। बनासकांठा में सरहदी विस्तार में खेडूतोए तीड़ भगाड़वा अपनाव्या देशी नुस्खा। थाळी ने ढोल वगाड़ी धुमाड़ो करीने के पछी बाइक के ट्रेक्टर खेतरो में फेरवी तेना आवाजथी तीड़ ने भगाड़वानो प्रयास। पाटण जिल्लाना सांतलपुर तालुका में फरी तीड़ना धामा। वाराणी लखापुरा रोड विस्तार में जोवा मळ्युं तीड़नुं झुंड। तीड़ना आक्रमण थी खेडूतो फरी चिंतित। तो आ तरफ पाटणना सरहदी गामों में तीड़ना धामा। समी तालुकाना मांडवी गाम में तीड़नुं झुंड देखायुं। तीड़ देखाता खेतीवाड़ी विभाग की टीम मांडवी पहुंची। राज्य में कोरोना 513 नवा केस नोंधाया तो 38 लोगों की मौत। 510 नवा केस साथ राज्य में कोरोना कुल 22,067 केस। राज्य में कोरोना से कुल 1385 लोगों की मौत। अमदावाद में कोरोना 330 नवा केस नोंधाया। 330 नवा केस साथ अमदावाद में कोरोना कुल 15,635 केस तो 1,170 लोगों की अमदावाद में मौत। गुजरात 88% केस और 90% मौत राज्य 3 जिल्ला में। अमदावाद, सूरत और वडोदरा जिल्ला में राज्य 88% केस। सूरत कतार गाम में कोरोना वायरस 11 पॉजिटिव केस आता रत्न कलाकारों की चिंता बढ़ी। घटना ने पगले हीरा उद्योग में 1 થી વધુ केस आवशे तो 14 दिवस माटे यूनिट सील करवा नियम की जाहरात। अमदावाद में एएमसी विपक्ष नेता दिनेश शर्मा डिस्चार्ज कराया। कोरोना की सारवार बाद 14 दिवस बाद कराया डिस्चार्ज। कोरोना पॉजिटिव थता कराया हता दाखल। राजकोट में 22 हॉस्पिटल ने कोरोना केयर बनावाशे। तमाम 22 हॉस्पिटल्स पासे थी प्रस्ताव मंगावायो। आइसोलेशन वोर्ड बेड की विगत मंगावाई तो प्रस्ताव बाद कराशे हॉस्पिटल साथ एमओयू।
वधारे चार्ज वसूलती होस्पिटल से नितिन पटेल ने चेतावनी, खोटा पैसा उघरावशो तो होस्पिटल कायम ही बंद कर देवाशे। तो हवे एमडी कक्षाना डॉक्टर्स की भलामण थी थशे कोरोना टेस्ट। अमदावाद ना जमालपुर विस्तार में मकान धराशायी, पोस्ट ऑफिस की ऊपर मकान धराशायी, एक व्यक्ति काटमार नीचे दबाता इजाग्रस्त, इजाग्रस्त ने सारवार माटे खसेड़ायो। दाहोद में दुबई थी आवेला 11 लोगों ने कराया फेसिलिटी क्वारंटीन, अमदावाद एयरपोर्ट थी बस द्वारा लवाया था दाहोद, आरोग्य विभागे तमाम नु करी हेल्थ चेकअप। अमदावाद एयरपोर्ट पर काम करती मूल मोड़ासा की सफाईकर्मी महिला नु कोरोना थी मौत, कोरोना पॉजिटिव आवेला 2 कलाक में ज थयु मौत, रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो त्यारे ज वेंटिलेटर लगावायो नाखशे। पाटण में कोरोना थी थयु एक दर्दी नु मौत, 66 वर्षीय वृद्धा नु सारवार दरमियान थयु मौत, जिल्ला में कोरोना कुल मृत्युआंक 8 थयो। बनासकांठा में डीसा कोविड हॉस्पिटल में सारवार दरमियान एक नु मौत, मृतक ना भाई नु पण अगाउ थयु हतु मौत, एक सप्ताह में 2 सगा भाई नु कोरोना थी मौत। गंदा पानी में कोरोना वायरस की हाजरी होवानु आईआईटी गांधीनगर ना रिसर्च में आव्यु सामे, देश में आ प्रकार नु पहलु रिसर्च, 51 यूनिवर्सिटी साथे मळीने कर्युं रिसर्च। भावनगर में मास्क नहीं पहनना लोगों सामे कार्यवाही, मास्क न पहनना 185 लोग झड़पाया, महानगरपालिका की टीमें मास्क नहीं पहनना ने 200 रुपया दंड फटकारो। न्यूज 18 गुजराती की टीमें विविध शहर की सरकारी कचेरी में करी रियालिटी चेक, संक्रमण रोकवा की व्यवस्था चकासी, अमदावाद कलेक्टर कचेरी में मास्क सैनेटाइजर जोवा मळ्यो उपयोग। न्यूज 18 गुजराती की टीमें राजकोट में अलग अलग सरकारी कचेरीओं में करी रियालिटी चेक, बहुमाड़ी भवन में मात्र हैंड सैनेटाइजर उपयोग, टेम्परेचर गन की व्यवस्था नहीं। जिला पंचायत ऑफिस में करवामां आव्यो रियालिटी चेक, अहीं कोरोना की गाइडलाइन्स अनुरूप कोई जातनी व्यवस्था नहीं, सैनेटाइजर और टेम्परेचर गन की व्यवस्था जोवा न मळी। राजकोट ने कलेक्टर कचेरी में रियालिटी चेक करता संक्रमण ने रोकवा तमाम व्यवस्था जोवा मळी, थर्मल गन थी अरजदारों और ऑफिस स्टाफ ना तापमान की चकासणी, साथ सैनेटाइजर नो पण उपयोग। सूरत में महानगरपालिका की अठवा जोन की कचेरी में करी रियालिटी चेक, ज्यां आवता जता लोगों माटे सैनेटाइजर की व्यवस्था नहीं, सोशल डिस्टेंस पर मात्र देखाव पूरतु जोवा मळ्युं। तो सूरत में कलेक्टर कचेरी में पण रियालिटी चेक करायो, ज्यां पण अमुक लोग मास्क पहेर्या वगर मन फावे तेम फरता देखाया, कचेरी आवता लोगों माटे सैनेटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं। तो महानगरपालिका की मुख्य कचेरी पर न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां अंदर आता तमाम लोगों ने हाथ धोवा माटेना मशीन मुकेला देखाया, जो कि स्टाफ द्वारा मशीन नो उपयोग थतो न देखायो। सतत पांचमा दिवसे पेट्रोल डीजल भाव में वधारो, पेट्रोल में 57 पैसा, डीजल में 59 पैसा नो वधारो, भाव वधाराती लोगों में रोष। 6 दिवस में पेट्रोल में रूपया 3.31 नो थयो वधारो, 6 दिवस में डीजल में रूपया 3.42 नो वधारो। अनलॉक 1 में गुजरात एसटी की आवक घटी, पहली थी 11 जून सुधी में 1,00,000 ट्रीप में मात्र 21 करोड़ की आवक, मात्र 25,00,000 लोगों ने करे प्रवास, 50% प्रवासियों ने मंजूरी होवा छता ओछा लोग करे एसटी बस में प्रवास, हाल एक दिवस की अंदाजे 10,00,000 की आवक, सामान्य दिवसों में दिवस की 65,00,000 की आवक थी। सोमनाथ भावनगर नेशनल हाईवे पर होटलों सुमसान थता मालिकों चिंता में, होटल्स खुली परंतु कोरोना भय ने कारण ग्राहकों ने कोई आवक नहीं, तो होटल में काम करते स्टाफ पर लॉकडाउन में वतन रवाना। गांधीनगर में नर्सरी उद्योग पर लॉकडाउन की असर, नर्सरी उद्योग में 50% थी वधुनो घटाड़ो, वरसाद छता आवता नहीं ग्राहकों। संघ प्रदेश दीव में रोजगारी माटे जता वेपारियों ने समस्या नो आव्यो अंत, तंत्रए वेपारियों माटे व्यवस्था उभी करी, दीवना घोघला चेकपोस्ट पर ई पास माटे काउंटर सुविधा वधारी आपता समस्या नो आव्यो अंत। इतिहासकार रामचंद्र गुहा गुजरात मुद्दे विवादित ट्वीट, कहूं गुजरात आर्थिक रीते आग संस्कृति में पाचड़, तो बंगाल सांस्कृतिक रीते आग आर्थिक रीते पाचड़। रामचंद्र गुहा ट्वीट पर मुख्यमंत्री रूपाणी जवाब, कहूं कि अंग्रेजों भारत ने तोड़वा काम करू, एक ग्रुप है जो देश ने तोड़वा काम करे, तो गुजरात और बंगाल बंने महान, देश एक जूथ, आर्थिक संस्कृति रीते बने समृद्ध। सूरत में कर माफी अभियान शुरू, बिन राजकीय कर माफी अभियान समिति की रचना कर शुरू थयु अभियान, लाइट बिल, वेरा बिल और शाला कॉलेजों की फी माफी आप शुरू थयु अभियान।
मोरबी माणियाना वधु चार गाममां ब्रिजेश मेरजा विरुद्ध लाग्या पोस्टर। सरवड रायसक पर अणियारी गाड़ा गाममां मेरजा ने प्रवेश पर प्रतिबंधना पोस्टर लाग्या। अगाउ जेतपुरमां लाग्या हता आवा पोस्टर। अमदावादनी राजमाधव स्कूलनी दादागिरी आवी सामे। कोरोनाग्रस्त विस्तारनी शिक्षिकाने नौकरीमांथी करी दूर। शिक्षिकाए सोशियल मीडियामां ठालवी वेदना। गुजरात यूनिवर्सिटीए रच्यो इतिहास। सौ प्रथम वक्त एनआईआरएफ की 100 टोचनी याद में उच्च स्थान मेळव्युं। टोचनी 100 यूनिवर्सिटीज की याद में आईआईटी गांधीनगर 44मां क्रमे। युवा कांग्रेसे हिम्मतनगर कॉलेज में आप्यो आवेदनपत्र। यूनिवर्सिटी में परीक्षा लेवा पर फेर विचारणा करवा अंगे रजूआत। आगामी सत्र की फी माफी साथ मास प्रमोशन आपवा रजूआत। कोरोना महामारी में विद्यार्थियों शिक्षण न बगड़े ते माटे केटलीक शाळाओए ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली की शुरुआत करी। अमदावाद की वेदांत स्कूले विद्यार्थियों ने ऑनलाइन शिक्षण आपवानी शुरुआत करी। भक्तों माटे अंबाजी मंदिर द्वार खुल्या। मंदिर कपाट खुलता ज भक्तों में आनंद की लागणी जोवा मळी। अंबाजी में बोल माळी अंबे जय जय अंबे नो नाद सांभळवा मळ्यो। अंबाजी में नियमों साथे हवे करी शकाशे दर्शन। सोशियल डिस्टन्स मास्क पहेरवुं भक्तों माटे फरजियात। महाराष्ट्र सरकारे नर्मदा जिला ने अड़ी आवेली गुजरात महाराष्ट्र ने बॉर्डर करी सील। मात्र जीवन जरूरियातनी वस्तुओं ने ज लई जवानी लावानी छूट। परमिट वगर नहीं मळे एंट्री। अमदावाद रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों माटे खास व्यवस्था कराई। रेलवे स्टेशन पर वेरिंग मशीन मुकायू। मशीन थी मास्क और सैनिटाइजर की खरीदी करी शकाशे। ई पेमेंट और कैश पेमेंट नो पण विकल्प। सूरत में प्रेम प्रकरण में 50 वर्षनी प्रेमिकाए बीजा प्रेमी साथे मळी। पहला प्रेमी ने मौत ने घाट उतार्यो। मकान बाथरूम में आधेड़ मृतदेह मिली आयो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गळू दबावी हत्या करी होवानो खुलासो। सुरेन्द्रनगर कंथारिया गाम में तीक्ष्ण हथियार घा झींकी आधेड़ की हत्या। मृतक दीकरा पण गंभीर रीते इजाग्रस्त। इजाग्रस्तों ने सारवार माटे खसेड़ाया। वडोदरा क्राइम ब्रांचे बाइक चोरी करता शख्सों की धरपकड़ करी। घना समय थी बाइक चोरी की फरियाद मळता क्राइम ब्रांचे कार्यवाही करी। आरोपी पास थी 11 बाइक कब्जे करी। दाहोदना फतेहपुरा में काळाबजारी करता वेपारियों पर कार्यवाही। मामलतदारे करियाणा की 4 दुकानों सील करी। पान मसालाना वधु भाव लेता काळाबजारी सामे कार्यवाही। सोनगढ़ में लूंट की घटना बनी। बाइक चालक पास थी 85,000 की लूंट चलावी तस्करों फरार। समग्र मामले पुलिसे तपास हाथ धरी। बनासकांठा एलसीबीए भीलड़ी मुठेड़ा पास थी दारू भरेली गाड़ी झड़पी। कार्यवाही दरमियान पुलिस 1.84 लाख दारू साथ 2 लोगों की करी अटकायत। साबरकांठा हिम्मतनगर रायगढ़ में तस्करों आतंक। पाटला घोनी तस्करी करवा जता 5 झड़पाया। तमाम 5 ने रंगे हाथे झड़पी लेवाया। अमदावाद ईसनपुर में बुटलेगर घर में चोरखाना में मळ्यो दारू जत्थो। विदेशी 44 जेटली दारू की बॉटल साथ कुल 26,000 मुद्दामाल कब्जे। बुटलेगर की पत्नी ने अटकायत। राजकोट रोणकी गाम में पैसा ने लीधी देती मां छरी घा झींकी हत्या। पड़ोसीए ज हत्या कर्यानो परिवार आरोप। रात्रिना समय थई हती हत्या। राजकोटना जेतपुरना अमरनगर रोड पर लूंटनी घटना बनी। किराणा भंडारना मालिक पासेथी 2 शख्स 2 लाख की लूंट करी फरार थया। पुलिसे तपास शुरू करी। 2 लाख रूपयानी लूंट बाइक पर आवेला शख्सोए चलावी हती आ लूंट। राजकोटमां पैसानी देती देती मामले पोताना मामाना ज कारखानामां जई व्यक्तिनी बबाल। छरी अने लाकड़ी साथे कारखानामां घुसी लोकोने धमकाव्या। समग्र घटनाना सीसीटीवी आव्या सामे। सूरत में 14 वर्षीय किशोरी ने लग्न की लालच आपी दुष्कर्म आचरनार आरोपी झड़पायो। किशोरी परिवारजनों पुलिस स्टेशन में अपहरण मामले नोंधाई थी फरियाद। कोर्टे आरोपी 1 सप्ताह रिमांड मंजूर कराया। सूरत में कापड़ वेपारीए कर्यो आपघात। लॉकडाउन में देव थई जता झेरी दवा पीने करी आत्महत्या। पुलिसे घटना अंगे शुरू करी तपास। बनासकांठा पालनपुर आरटीओ सर्कल पास शंकास्पद हालत में मृतदेह मळ्यो। पत्थर वड़े मार मारी युवक की हत्या कराई होवानी शंका। पालनपुर पुलिसे वधु तपास हाथ धरी। सूरत में असामाजिक तत्वों बेफाम बन्या। केटलाक असामाजिक तत्वों तलवार साथे त्रिलोक सोसायटी में रिक्षा सहित वाहनों में तोड़फोड़ करी। सोसायटी सेक्रेटरी ने जान थी मारी नाखवानी धमकी आपी। पुलिसे समग्र मामले तपास हाथ धरी। दाहोदना फतेहपुरा में डेप्यूटी सरपंच पर हुमलो। सरपंच द्वारा थे कामों में उच्चापत आक्षेप साथ तपास की करी थी मांग। टीडीओ द्वारा तपास हाथ धराता डेप्यूटी सरपंच पर हुमलो थयो। हुमला में डेप्यूटी सरपंच इजाग्रस्त। वडोदरा पुलिसे बनावटी माउसर तथा 15 जीवता कारतूस साथ 1 शख्स ने झड़पी पाड़ो। मांझलपुर पुलिसे बातमी आधार आरोपी ने झड़पियों।
आणंद जिल्लाना लालपुर में खाण खनिज विभाग दरोड़ा गैरकायदे चालतु रेत खनन झड़पायु। सात ट्रक, बे ट्रेक्टर तेमज बे जेसीबी मशीन जप्त कराया। पंचमहाल मोरवा में आईटीआई फीडर ट्रेड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनावाना कौभाड़ो पर्दाफाश। पुलिस 17 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट साथ आरोपी की करी धरपकड़। 15,000 रूपया में वेचता तो डुप्लीकेट सर्टिफिक। तो आगर जोई शोने समाचारों ते पहला हाल ले एक ब्रेक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने नेटवर्क channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Pet safa, har rog dafa. न्यूज़ हेडलाइन ना प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। वेलकम बैक। राजकोट में वधु विजबिल आवेना आक्षेप साथे लोकोए पीजीबीसीएल नी ऑफिस पर होबाळो कर्यो। एक साथे 4 महीना ना बिल आवेनो आक्षेप। सरकारी जाहिरात छता राहत नहीं आपवानो आरोप। अरवली जल संचय मामले पूर्व धारासभ्य आरोग्य ने मुख्यमंत्री ने करी रजूआत। 6 कंपनियों ने नामजोग करी फरियाद। सिंचाई विभाग ने अधिकारियों ने जिला पंचायत सदस्य कौभाड़ आचरू होवाना आक्षेप। राजकोट ना जेतपुर यार्ड में चनानी खरीदी वच्चे मारामारी। वेचाण संघ ना मैनेजर ने वेपारी वच्चे मारामारी ना दृश्य। वेपारी मैनेजर ने मार मार्या नो आक्षेप। वेपारी फरार, पुलिसे ट्रक चालक ने झड़प्यो। वलसाड में गाम लोगों ने रेलवे पुलिस वच्चे बबाल। रेलवे लाइन पसार थता एक फड़ियू अलग पड़ी जता गामना 50 थी वधु परिवारों ने हालाकी। गाम लोगों ट्रेक क्रॉस करवा पगदंडी बनावी तो रेलवे पुलिस से मशीन थी तोड़ी नाखी। पुलिस की कामगिरी ने लई ग्रामजनों में रोष। सूरत में यूरो स्कूल की दादागिरी। फी नहीं भरो तो आगामी वर्ष पुस्तकों नहीं आपनु जणावायु। फी मुद्दे वालीओए होबाड़ो कर्यो। नड़ियाद में शारदा मंदिर स्कूल द्वारा फी उघरावाता वालीओ नाराज। वालीओ शाला पर पहुंची करी फी माफी की मांग। स्कूल बंद होवा छता ट्यूशन फी मांगवामां आवी। सुरेन्द्रनगर लखतर एपीएमसी में खेडूतोनो होबाळो। वरसाद वच्चे बे दिवसे टेकाना भावे कपास वेचवा आव्या हता खेडूत। सीसीआई केन्द्र द्वारा कपास न खरीदता होबाळो। जूनागढ़ वणझारी चौक में ठेर ठेर कचरा ढग। लोगों पीवाना पानी भरवाना स्थल पर ज भारोभारी गंदगी। स्थानिकों ने रोगचाळानो भय। अमदावाद शहर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करी अपशब्दों बोलनार युवा की धरपकड़ कराई। आरोपी घर कंकास ने कारण मानसिक हताश थी गयो हतो जेथी तेने आ प्रकार कृत्य कर्यु तेवु पुलिसे जणाव्यु। गीर सोमनाथ ना उनाना वरसिंगपुर गाम नजीक बावड़ना झाड़ नीचे थी एक युवा नो मृतदेह मिली आव्यो। समग्र मामले पुलिसे तपास हाथ धरी। ऑपरेशन समुद्र सेतु अंतर्गत आईएनएस शार्दुल जहाज भारतीयों ने लई पोरबंदर बंदर पहुंचू। 8 जूने ईरान थी 233 भारतीयों लईने थयुं हतुं रवाना जेमां मोटा भागना वलसाड़ना माछीमारों।
ડભોઈના થુવાવી નજીક એસટી બસ અને એક્ટિવા વચ્ચે થયો અકસ્માત, એક્ટિવા ચાલકનું ઘટના સ્થળે જ મોત. અંબાજી નજીક ગબ્બર માર્ગ ઉપર ડમ્પર ઝાડ સાથે અથડાતા અકસ્માત, ડ્રાઈવર ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા હોસ્પિટલ ખસેડાયો. ગોધરાના છબનપુર બાયપાસ પર ટ્રેલર અને પિકઅપ ટેમ્પો વચ્ચે અકસ્માત, અકસ્માતમાં પિકઅપના ડ્રાઈવરનું મોત, એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત. સુરતના કતાર ગામમાં મહિલાના માથા પર બાલ્કનીનો સ્લેબ પડી જતા મહિલાનું મોત, મહિલા કપડાં ધોઈ રહ્યા હતા તે વેળાએ બની ઘટના, મહિલાનું સારવાર દરમિયાન મોત. બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારમાં દેખાયેલા ચાર્ટર્ડ પ્લેન અંગે ખુલાસો, કેન્દ્રના ખાસ પ્રોજેક્ટ માટે ખાણ ખનિજ વિભાગના સર્વે માટે હતી પ્લેન ઉડાન. પ્રધાનમંત્રી મોદીના આત્મનિર્ભર અભિયાનને સફળ બનાવવા હવે મહિલાઓ મેદાને આવી, સુરતના મહુવા તાલુકાની મહિલાઓ વાડીમાં શાકભાજીની ખેતી કર્યા બાદ પોતે ખાખરના પાનથી બાજ અને દળિયા બનાવે છે. મહીસાગરના કડાણાના ગરીબ લોકોએ બે વર્ષ પહેલા ભર્યા હતા માનવ કલ્યાણ યોજનાના ફોર્મ, જિલ્લા ઉદ્યોગ કચેરીમાં 1000 રૂપિયા આપી ભર્યું હતું ફોર્મ, બે વર્ષ બાદ પણ ખાય છે ધક્કા. મનરેગા અંતર્ગત દાંતાના રીંછડી ગામે 90 જેટલા પુરુષ મહિલાઓને તળાવ ઊંડું કરવાની કામગીરી સોંપાઈ, શ્રમિકો માટે પીવાના પાણી અને આરોગ્યલક્ષી ફર્સ્ટ એડ કીટની વ્યવસ્થા. કોરોના મહામારીમાં ભાવનગરમાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ જોવા મળ્યું, ભાવનગરમાં રહેતા મુસ્લિમ સમુદાયના લોકોએ કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા લોકોના હિન્દુ ધાર્મિક વિધિ પ્રમાણે અંતિમ સંસ્કાર કર્યા. મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરી દ્વારા મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી રાહત ફંડમાં સહાય, કોરોના સામેની લડતમાં મુખ્યમંત્રી રાહત કોષમાં 25 લાખ, પ્રધાનમંત્રી કેર ફંડમાં 51 લાખનું અનુદાન. દાહોદ જિલ્લાના દેવગઢ બારિયાના ધારાસભ્ય બચુભાઈ ખાબડ દ્વારા પાણીના ટેન્કરનું વિતરણ, ધાનપુર તાલુકાની 34 ગ્રામ પંચાયત અને દેવગઢ બારિયાની 62 ગ્રામ પંચાયતોને 96 ટેન્કર અપાયા. ગીર સોમનાથના ઉનાના ગુંદાળા ગામે ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂત પર દીપડાનો હુમલો, આસપાસના ખેડૂતો દોડી આવતા દીપડો ફરાર, ઇજાગ્રસ્ત ખેડૂત ઉનાના ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ. વલસાડના જાહેર રસ્તા પર વાહનોની સાથે સાથે સાપની પણ દોડ, જાહેર રસ્તા પર દોડતા સાપને લઈ લોકોમાં દોડધામ, વન વિભાગે સાપને પકડી કબજામાં લીધું. પંચમહાલમાં લાભાર્થીઓને અનાજના મળવાપાત્ર જથ્થાની વિગતો સાથેની સ્લીપોનું વિતરણ, 2,23,000 એનએફએસએ અને નોન એનએફએસએ બીપીએલ રેશન કાર્ડ ધારકોને સ્લીપનું વિતરણ થયું. વડોદરાનું ખંડરાવ શાક માર્કેટ શરૂ થતા મેયર અને ધારાસભ્યોએ લીધી તેની મુલાકાત, મુલાકાત સમયે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ભૂલ્યા નેતાઓ. કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત થતા રાજકોટના કીટીપરામાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના થયા આગ્રહ, પોલીસના સ્વાગતમાં બોલાયું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ. બીએસએફના ડીજી 2 દિવસની કચ્છની મુલાકાતે, કચ્છ સરહદની સુરક્ષા અન્વયે કરી બેઠક, બીએસએફના ડીજીએ સરહદ પર તૈનાત જવાનો સાથે કરી વાતચીત. એડિશનલ ડીજીપી કે ઓઝાએ અનુસૂચિત જાતિ માટે દલિત શબ્દનો ઉપયોગ ટાળવા જિલ્લા પોલીસ વડાને આપી સૂચના, અનુસૂચિત જાતિ વિભાગે દલિત શબ્દનો ઉપયોગ વહીવટી કે સરકારી કામમાં ન કરવા સલાહ. 2,97,000 કેસ સાથે ભારત કોરોના મામલે વિશ્વમાં 4થા નંબરે, 20 લાખથી વધુ કેસ સાથે અમેરિકા વિશ્વમાં સૌથી આગળ, તો બ્રાઝિલ 2 નંબરે, રશિયા 5 લાખ કેસ સાથે 3 નંબરે. કોરોનાના વધતા કેસને કારણે 4 રાજ્યો ફરી લોકડાઉન લગાવવાની તૈયારીમાં, ગુરુવારે જ લગભગ 10,000 નવા કેસ સામે આવ્યા છે, ત્યારે પંજાબ, તમિલનાડુ, કેરળ અને ઝારખંડમાં લોકડાઉન લાગુ કરવાની શક્યતા. ભારતમાં કોરોનાનો આંકડો 3 લાખની નજીક, દેશમાં કોરોનાના 3,97,000થી વધુ કેસ, તો 8,500થી વધુ લોકોના મોત, આ ઉપરાંત 1,46,000થી વધુ લોકો થયા સ્વસ્થ. મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાનો આંકડો 97,000ની પાર, રાજ્યમાં 97,648 કેસ, તો અત્યાર સુધી 3,590 લોકોના મોત, આ ઉપરાંત 46,000થી વધુ લોકો સાજા થયા. મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ સૌથી વધુ સંક્રમિત, મુંબઈમાં કોરોનાના 54,085 કેસ, 1,954 લોકોના મોત. મુંબઈ પોલીસમાં અત્યાર સુધીમાં 2,028 લોકો થયા કોરોના સંક્રમિત, તો એસઆરપીના 82 કર્મચારીઓ થયા છે કોરોના સંક્રમિત. તમિલનાડુમાં કોરોનાના 38,716 કેસ, તો 349 લોકોના મોત, આ ઉપરાંત 20,405 લોકોએ કોરોનાને આપી માત. તો આ તરફ દિલ્હીમાં કોરોનાથી હાહાકાર, દિલ્હીમાં કોરોનાના 34,687 કેસ, તો 1,085 લોકોના અત્યાર સુધી મોત. દિલ્હીમાં ફરી લોકડાઉન જાહેર કરવાની જાહેર હિતની અરજીને દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફગાવી, 30 જૂન સુધી ફરી લોકડાઉન લગાવવાની કરવામાં આવી હતી જાહેર હિતની અરજી.
दिल्ली की जामा मस्जिद फरी बंद कराई। कोरोना ना केस वधता जामा मस्जिद पर लाग्या ताड़ा, 31 जून सुधी मस्जिद रहेशे बंद। पाकिस्तान ना सीज़फ़ायर नो भारतीय सेनाए आप्यो जड़बातोड़ जवाब, पीओके में 10 चौकीओ करी नष्ट, पाकिस्तान ना 5 जवानो ठार। सीज़फ़ायर ना उल्लंघन में पाकिस्तान नो नवो रेकॉर्ड, आ वर्षे 6 मास में ज पाकिस्ताने 2027 वक्त सीज़फ़ायर नो कर्यो भंग। गत वर्षे पाकिस्ताने 3168 वक्त सीज़फ़ायर नो भंग कर्यो हतो। भारतीय सेनाए आ वर्षे 98 आतंकी खात्मो कर्यो, गत वर्षे सेनाए 158 आतंकी ने कर्या हता ठार। सेना ना ऑपरेशन ऑल आउट थी पाकिस्तान की कमर तूटी। पंजाब ना पठानकोट पुलिस कश्मीर ना 2 आतंकियों ने धरपकड़ करी, आतंकियों पास थी केटलाक हथियारों पण मळी आव्या। भारत चीन ना सरहद विवाद की असर भारत चीन ना व्यापार पर पड़ी, चीन और हांगकांग साथ व्यापार 7% घटी, 109.76 डॉलर थयो, छेल्ला 7 वर्ष में सौथी ओछो व्यापार। उत्तर प्रदेश ना मोरादाबाद में महिलाओं ने नक्सलवादी और आतंकियों सामे केवी रीते लड़त आपी तेनी ट्रेनिंग अपाई, राज्य की 190 महिलाओं लीधो भाग। दिल्ली में कोरोना वायरस ना 34,000 थी वधु केस होवा छता लोको नथी राखी रह्या सोशियल डिस्टेंस, आझादपुरा शाक मार्केट में सोशियल डिस्टेंस ना धजागरा, सैकड़ों की संख्या में लोग भेगा थया, अमुक पासे मास्क पण नथी। दिल्ली में कोरोना ना केस नी वच्चे लोको नी अवर जवर घटी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लागती कतारों में घटाड़ो। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुणे में 504 बेड की नवी कोविड हॉस्पिटल कर उद्घाटन, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम थी कर उद्घाटन। विशाखापट्टनम में दारू की दुकान पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलिया, दारू लेवा माटे आवेला लोको एक साथ दुकान में घुसी गया। विशाखापट्टनम में विजयवाड़ा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लागी भीषण आग, फूटवेर की दुकान में आग लागता लोगों में भगदड़, फायर विभागे आग पर मेळव्यो काबू। बिहार ना गया में आरजेडी ना कार्यकर्ताओं बिहार ना पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ना जन्मदिवस की करी उजवणी, सोशल डिस्टेंस साथ उजवणी कराई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर सरकारी गाइडलाइन प्रमाण खुल्यु, मंदिर खुलता लोगों पूजा करी, मास्क और सैनिटाइजर साथ लोगों ने मंदिर में प्रवेश। विश्व में कोरोना वायरस 75 लाख की वधु केस नोंधाया, विश्व में 75,97,000 की वधु लोग संक्रमित, तो अत्यार सुधी कोरोना थी 4,23,000 थी वधु लोगों ना मौत। तो आ था अत्यार सुधी ना तमाम खास समाचार, वधु समाचार विस्तार थी जोवा माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती।